हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो गाइस, आज है 8 फरवरी और आज हम 8 फरवरी से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी डेली के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारतीय रेलवे की इकाई जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक इंजनों की ब्रांडिंग प्रारंभ हो गई है, यानी कि भारतीय रेलवे का वो कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक इंजनों में प्रोडक्ट की ब्रांडिंग स्टार्ट हो गई है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी रेलवे, यानी कि वेस्टर्न रेलवे। यानी कि हाल ही में भारतीय रेलवे की इकाई पश्चिमी रेलवे के द्वारा इलेक्ट्रिक इंजनों की ब्रांडिंग स्टार्ट की जाती है, और ऐसा करने का उद्देश्य इनका ये होता है कि रेलवे को अतिरिक्त राजस्व यानी कि एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। और इनके पहले ब्रांड प्रोडक्ट का नाम फॉर्चून एडिबल ऑयल है, जिसके ब्रांडिंग के लिए रेलवे को 1.5 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया है। और जो पहला लोकोमोटिव इंजन है जिसमें फॉर्चून ब्रांड का यूज़ किया गया है, उसकी स्टार्टिंग वडोदरा रेलवे स्टेशन से देवेंद्र कुमार के द्वारा होती है, और ये ब्रांडिंग हाल ही में 1 फरवरी 2020 को होता है। हमारा अगला सवाल, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा पुसुपु कुमकुमा पेंशन कल्याण योजना का संचालन किया जा रहा है? तो हाल ही में वो राज्य सरकार जिसके द्वारा पुसुपा कुमकुमा पेंशन कल्याण योजना का संचालन किया जा रहा है, उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। और इस प्रकार की कल्याण योजना महिलाओं के सहायता समूह के लिए संचालित की जा रही है। और बात करें कुसुम कुमकुमा पेंशन कल्याण योजना की, तो इसे गांव वाले क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के रूप में भी जाना जाता है। और इस योजना के तहत हर एक महिला को स्वयं सहायता समूह से करीब 10,000 रुपये और एक स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है। इन शॉर्ट, ये पेंशन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करेगा। वहीं बात आंध्र प्रदेश के सीएम की करूं, तो आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम YS जगन मोहन रेड्डी है, और तेलंगाना के सीएम का नाम चंद्रशेखर राव, और कर्नाटक के सीएम का नाम BS येदुरप्पा है। वहीं उड़ीसा के सीएम का नाम नवीन पटनायक है। और बात करें अगर गवर्नर की, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम भूषण हरिचंदन है, तेलंगाना के गवर्नर का नाम तमिलसाई सौंदरराजन है, वहीं कर्नाटक के गवर्नर का नाम वाजुभाई वाला, और उड़ीसा के गवर्नर का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है। हमारा अगला सवाल, PPE मोड में संचालित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया जाएगा, वो कौन सा IIT है? यानी कि हाल ही में जारी वो IIT संस्थान जो कि PPE मोड में चल रहा है, तो उस IIT का नाम IIT भोपाल है। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ, हाल ही में जो बिल आता है उसमें IIT भोपाल, IIT सूरत, IIT भागलपुर, अगरतला और रायचूर को दर्जा प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सवाल, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा चिल्का झील पर स्थापित पहला क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें चिल्का झील की, तो ये एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है, जो कि उड़ीसा के पास वेटलैंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के परिसर में फैला हुआ है। और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर स्थापित जो पहला क्षेत्रीय केंद्र है, उस सेंटर का नाम एविफ्यूना वेधशाला है, यानी कि एविफ्यूना रिसर्च सेंटर। और यहाँ पर रिसर्च खोलने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो यहाँ के पक्षी अभ्यारण्य है उनकी निगरानी की जा सके, और वहाँ के पक्षियों पर जो रोग हो रहे हैं यानी कि एवियन रोग, उस पर रिसर्च करना। हमारा अगला सवाल, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सरकारी सेवाओं तक पहुँच को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने के लिए जन सेवा योजना प्रारंभ की गई है, यानी कि वो कौन सा राज्य सरकार है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं वो आम जनता डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकती है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की पहुँच को आसान बनाने के लिए, यानी कि डिजिटलाइजेशन लाने के लिए और डिजिटलाइजेशन का अच्छे से यूज़ करने के लिए जन सेवा योजना प्रारंभ की जाती है। और बात करें अगर जन सेवा योजना की, तो इस योजना को मोबाइल सेवा के माध्यम से भी संचालित किया जा सकता है, यानी कि इस प्रकार की योजना को मोबाइल से ही ऑपरेट किया जा सकता है। और अगर प्रेजेंट की बात करूं, तो वर्तमान समय में नागरिकों को जो हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और भी तरह तरह की पहचान पत्र जैसी सुविधाएँ जन सेवा योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के CM का नाम BS येदुरप्पा है और गवर्नर का नाम वाजुभाई वाला है।
और आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर का नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। तेलंगाना के सीएम का नाम चंद्रशेखर राव और गवर्नर का नाम तमिलसाई सौंदरराजन है। हमारा अगला सवाल, हॉलीवुड के दिग्गज ऑस्कर विनिंग एक्टर क्रिस्टोफर प्लमर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है, हाल ही में ऑस्कर विनिंग एक्टर क्रिस्टोफर प्लमर का 91 ईयर की एज में निधन हो जाता है और इनकी डेथ सिर पर चोट लगने के कारण होती है। और बात अगर मैं क्रिस्टोफर प्लमर की करूं तो इन्हें एक ऑस्कर अवार्ड, दो टोनी अवार्ड और दो एमी अवार्ड मिल चुके हैं। गाइस, हमारा आज का आइकॉनिक क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कितने इंच का विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है? तो इसका सही जवाब है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने 1 इंच का विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है। तो इसके बारे में बता दूं, ये विश्व का सबसे छोटा रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाला जीव हो गया है। और बात करें अगर इस गिरगिट की तो इसे नैनो गिरगिट नाम दिया गया है। और बात करें अगर पूरे विश्व की तो पूरे विश्व में 11,500 रेप्टाइल मिल चुके हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, इस नैनो गिरगिट को जर्मनी और मेडागास्कर की टीम ने उत्तरी मेडागास्कर के जंगल में खोजा है। और इसकी ऑफिशियल जानकारी रियूटर्स के द्वारा ट्वीट करके दी जाती है, जिसमें इसके नॉर्थन मेडागास्कर में खोजे जाने की खबर मिलती है। एज यू सी गाइस, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू नैनो कैमेलियन। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने नासमेड़ गांव में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नासमेड़ गांव में स्किल इंडिया प्रोग्राम की लॉन्चिंग करने की घोषणा की है? तो इसके बारे में बता दूं, गुजरात सरकार ने हाल ही में गांधीनगर के नासमेड़ गांव में भारतीय कौशल संस्थान स्थापना करने की घोषणा की है। गाइज, यहाँ पर मैं सीएम और गवर्नर के नाम फिर से रिकैप करूंगा ताकि आप लोगों को इनके नाम अच्छे से याद हो जाए। सो गाइज, गुजरात के सीएम का नाम श्री विजया भाई आर रूपानी है, महाराष्ट्र के सीएम का नाम उद्धव ठाकरे, केरल के सीएम का नाम पिनराई विजयन और पंजाब के सीएम का नाम अमरिंदर सिंह है। वहीं बात गवर्नर की करें तो गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी, केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान और पंजाब के गवर्नर का नाम वीपी सिंह बडनोरे है। और इसके कैपिटल्स की बात करूं तो गुजरात के कैपिटल का नाम गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, केरल की तिरुवनंतपुरम और पंजाब की चंडीगढ़ है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में वो कौन सी परिषद है जिन्होंने राष्ट्रपति विन मिंट और राज्य काउंसलर आंग सान सू की और इसके साथ ही साथ अन्य नेताओं की रिहाई की मांग की है? सो गाइस, इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सो गाइस, हाल ही में म्यांमार में तख्तापलट होता है जिसके तहत सेना, राष्ट्रपति विन मिंट और राज्य की काउंसलर आंग सान सू और इसके साथ ही साथ बहुत सारे नेताओं को कैद कर लिया जाता है। उसी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इनकी रिहाई की मांग की है। और बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तो इस परिषद में 15 मेंबर हैं जो इसका सबसे शक्तिशाली संगठन है। हमारा अगला सवाल, केंद्र सरकार ने ब्रह्मोस, तेजस, एस्ट्रा मिसाइल के सहित कितने रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्रह्मोस, तेजस और एस्ट्रा मिसाइल के साथ जो तरह तरह के रक्षा उपकरण है हमारे देश के, उसको एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही जवाब है, कुल 156 रक्षा उपकरणों को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, जिनमें से कुछ प्रमुख है आर्टिलरी गन, स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, टैंक, मिसाइल, विस्फोटक, टैंक रोधी खानों सहित 156 रक्षा उपकरण को निर्यात देने की मंजूरी दी गई है। और बात अगर इसके पहले की करूं तो इसके पहले भारत ने आकाश मिसाइल के निर्यात को अपनी मंजूरी दी थी, यानी कि इसके पहले भारत ने आकाश मिसाइल का एक्सपोर्ट किया था। और ये एक्सपोर्टेशन भारत जो मैत्रीपूर्ण देश है यानी कि जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं उन देशों को भारतीय हथियार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया जा रहा है।